इशाक डार साहब तो बिल्कुल पास आने भी नहीं देते, प्राइम मिनिस्टर साहब तो दूर की बात है। मतलब ये जो हालात हमारे बने हुए हैं कि हम जाए तो जाए कहाँ, किसके सामने अपना दुखड़ा रोए। तब से ये गवर्नमेंट आई है, ऑलमोस्ट अब एक साल होने वाला है, किसी भी मैटर में बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जा रहा। तो मुलाकात की है आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने। आप टॉप के 8-10 लोग जो पाकिस्तान को बड़े बड़े आपके बिजनेस मैन है, उनसे आप मिल के आप कहेंगे जी हमने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात कर दी, तो आई एम सॉरी दैट इज नॉट द बिजनेस कम्युनिटी, दैट इज नॉट द रियल बिजनेस कम्युनिटी जो कि आपके आपकी जो दूसरी रन कर रही है। 1% 0.5% मुझे जो आपके बिजनेस कम्युनिटी आप वो भी चीज क्लियर नहीं हो रही। हमारी ना फेडरेशन से मुलाकात हुई है उनकी, ना किसी चैंबर के अहदेदार से मुलाकात हुई है। इतनी अनसर्टेनिटी है कि कोई कुछ प्लान कर पा ही नहीं जाए। पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है उसमें तो बिल्कुल ही बेड़ा भर करके रख दिया हर चीज का, इम्पोर्ट आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, लोग कॉन्स्टेंटली बेरोजगार हो रहे हैं। सुबह तक का हम कुछ प्लान नहीं कर सकते कि भाई हम क्या किस रेट पे काम करेंगे, क्या चीज हम कोट करेंगे, किस तरह हम चीज को बेचेंगे, किस तरह हम चीज को बनाएंगे। आप यूटिलिटीज को देख लें, IMF की हम पीछे लग के उसकी शर्तें मानी जा रहे हैं, और इन्फ्लेशन आपके सामने है, बाइंग पावर लोगों की आपके सामने, इतने मफलूज हो जाए कि कल को ये डंपिंग ग्राउंड बन जाए। तमाम प्लांट्स आपके जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, आपकी गाड़ियों के जो असेंबलिंग प्लांट्स हैं, वो सारे बंद पड़े हुए, और हमेशा ऐसे सुटेलों वाला शुरू किया जाता है जा रहा है कि हम समझ नहीं आ रही कि हम अगली नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्या जाना है, एक्सपोर्ट की क्या तरफ जाना है, जो चीजें ऑलरेडी हो रही है वो बंद हो रही है, बड़ी स्पीड से बंद हो रही है। ये चीजें क्यों समझ नहीं आ रही हमारे भाई? अगर मुश्किल हालात है, मानते हैं मुश्किल हालात है, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो खबर खबरों को ऑन बोर्ड तो ले। उन्होंने हमें तफसील के साथ बताया कि माशी सरगर्मियां मान नहीं पड़ी बल्कि खत्म हो चुकी हैं। जैसे बाकी कारोबारी हजरात फरमाते हैं कि कारोबार बंद है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और सारे के सारे क्राइसिस के पीछे सिर्फ एक चीज़ है, विच इज़ द शॉर्टेज ऑफ डॉलर और इम्पोर्ट बैन। इम्पोर्ट बैन के लिए किसी के पास कोई भी तारीख नहीं है। जो इसहाक डार साहब हैं, एवरी डे इन डे आउट ही कीप सेइंग कि पाकिस्तान का IMF के साथ माहिदा हो गया है और 1.8 बिलियन की ट्रांच आ रही है, और फर्दर जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं वहाँ से पैसा आ जाएगा, मगर ऐसी चीज़ ऑन द फ्रंट, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। यही वजह है कि कारोबारी तबका भी जो है उसमें भी मायूसी बढ़ रही है, और कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट में भी जो वॉल्यूम्स हैं, वैल्यू ट्रेडेड डेली है, वो हिस्टोरिक लोस के ऊपर है। चंद छोटे स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो जाता है, और इंडेक्स को बढ़ाने के लिए PPL OGDC टाइप के स्टॉक के अंदर थोड़ी सी प्राइस डिस्कवरी कर दी जाती है, जिसकी वजह से लगता है कि बाजार से इसमें कुछ हो रहा है। सो ये सिचुएशन है, और आगे देखते हैं कि डाउन द रोड नेक्स्ट वीक में जैसे कहा जा रहा है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा, ट्रांच आ जाएगी, इकॉनमी चल पड़ेगी, ये होता है या नहीं होता है ये डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। आज़ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। इकॉनमी इज़ नॉट परफॉर्मिंग, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू टेक ऑन एंड डिस्कस इज़ के पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं उसको बिज़नेस कम्यूनिटी कैसे देखती है। सो पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे समझेंगे कि जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उसके आजकल मसाइल क्या है। नदीम रऊ साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक नदीम रऊ साहब। अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि डार साहब ने कहा था कि ये इस वीक में IMF का प्रोग्राम फाइनलाइज हो जाएगा, मगर अब जो कंफर्म न्यूज़ आ रही है वो ये बता रही है कि दिस में टेक अ वाइल, बिकॉज जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की कंडीशंस हैं, तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि हमेशा IMF का जो बोर्ड है वो इस तरह के एक्शंस के लिए पाकिस्तान को कहा करता था कि आप ये एक्शन ले लें तो फिर हम आपके साथ बातचीत करते हैं, बट अभी जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट है उसी के लिए जो जूनियर स्टाफ है IMF का, आप देखें कि कौन सा प्लांट है गाड़ियों का जो इस वक्त बंद नहीं हुआ हुआ,
और कल रात 25% सेल्स टैक्स की का FBR ने SRO भी निकाला, जिसमें ऑटो सेक्टर से लेकर तकरीबन तमाम सेक्टर्स, बिकॉज पाकिस्तान की इकॉनमी इंपोर्ट लेड हुई हुई है, सब का सब जो मामला है इकॉनमी का वो एक स्टैंड स्टिल की सिचुएशन इख्तियार कर गया। सो हाउ डज द बिजनेस कम्युनिटी लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन, के ये कब तक इस तरीके से चलना हम अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए जी, जो प्रेजेंट सूरत हाल है वो बिजनेस कम्युनिटी से लेके और डीप डाउन हर बंदा, इवन जो सैलरी क्लास्ट है वो भी बड़ा बुरी तरह अफेक्टेड है। बिजनेस कम्युनिटी इसलिए ज्यादा अंडर द रडार आती है या मुश्किल हालात से गुजरती है क्योंकि हम लोग कुछ अभी कुछ इतनी स्पेकुलेशन है, इतनी अनसर्टेनिटी है कि कोई कुछ प्लान कर पा ही जाए कि डेली बेस पे आपकी डॉलर की फ्लक्चुएशन प्लस जो जिस किस्म की खबरें आ रही हैं और तीसरी बड़ी चीज जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है उसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करके रख दिया हर चीज का कि हम ना हमारी इस वक्त इम्पोर्ट इस वक्त बंद है, इम्पोर्ट आप कुछ कर नहीं पा रहे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के आप हालात आपके सामने है कि हमारा 100% जो मैन्युफैक्चरिंग है लोकल वो भी हम रिलाई करते हैं रॉ मटेरियल इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पे काफी हद तक, तो वो चीजें वो भी हमारी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, लोग कॉन्स्टेंटली बेरोजगार हो रहे हैं। तो मतलब आप ट्रेडर क्या, मैन्युफैक्चरर क्या और कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट क्या, हर बंदा इस वक्त इतनी परेशान कुन सूरत हाल में है कि हम मतलब सुबह तक का हम कुछ प्लान नहीं कर सकते कि भाई हम क्या किस रेट पे काम करेंगे, क्या चीज हम कोट करेंगे, किस तरह हम चीज को बेचेंगे, किस तरह हम चीज को बनाएंगे। आप यूटिलिटीज को देख लें, दिन ब दिन IMF की हम पीछे लग के उसकी शर्तें मानी जा रहे हैं और मतलब जिस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, हमारी ये गैस जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमारी मतलब वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो समझ से बाहर हो रही है कि किस तरह हम चीज को बनाएंगे और किस तरह हम चीज को बेचेंगे, और इन्फ्लेशन आपके सामने है, बाइंग पावर लोगों की आपके सामने है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम मतलब एक तरह बिल्कुल टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को होल्ड करने की कोशिश की जा रही है और रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये बिल्कुल इतने मफलूज हो जाए कि कल को ये डंपिंग ग्राउंड बन जाए सिर्फ और बस अपना सब कुछ वाइंड अप कर दें। आपने जिस तरह खुद ही शुरू में कहा कि जी इसके तमाम प्लांट्स आपके जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, आपकी गाड़ियों के जो असेंबलिंग प्लांट्स हैं वो सारे बंद पड़े हुए हैं, आपकी टेक्सटाइल को आप देख लें आपकी जो सूरत हाल बनी हुई है, तो मतलब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें और क्या हम। और दूसरी बात ये है कि किसी भी चीज में किसी भी मैटर में बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं जा रहा। हम जब से ये गवर्नमेंट आई है ऑलमोस्ट अब एक साल होने वाला है, हमने नदीम साहब आपको रोक के एक चीज की मैं क्लैरिटी ले सकता हूँ कि परसों ही तो मुलाकात की है आर्मी चीफ और वजीर खजाना ने 1.5% मुझे जो आपके बिजनेस कम्युनिटी आप वो भी चीज क्लियर नहीं हो रही, हमारी ना फेडरेशन से मुलाकात हुई है उनकी, ना किसी चैंबर के अहदेदार से मुलाकात हुई है। आप टॉप के 8-10 लोग जो पाकिस्तान को बड़े बड़े आपके बिजनेस मैन है उनसे आप मिलके आप कहेंगे जी हमने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात कर दी, तो आई एम सॉरी दैट इज नॉट द बिजनेस कम्युनिटी, दैट इज नॉट द रियल बिजनेस कम्युनिटी जो कि आपके आपकी जो दूसरी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही किया था कुछ अर्सा पहले कि उन्होंने टॉप के जो एक क्लब बना हुआ है 8-15-20 लोगों का उनसे मिलके, तो आप कहते हैं जी फेडरेशन और चैंबर्स ये आपकी असल बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनसे के कोई भी नहीं मिल रहा है। सफर इशाक डार साहब तो बिल्कुल पास आने भी नहीं देते प्राइम मिनिस्टर साहब, तो दूर की बात है। मतलब ये तो हालात हमारे बने हुए हैं कि हम जाएं तो जाएं कहां, कहां किसके सामने अपना दुखड़ा रोए, किसके सामने जाके अपना सर पीटे कि यार हम अपने मुल्क में एलियन हो गए हैं कि हम लोग वो लोग हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है, जिसकी वजह से ये जितने भी हमारी जो लोग हैं उनको तनख्वाहें जाती हैं और हमें से ऐसे सुतेलों वाला सुलूक किया जाता है जा रहा है कि हम समझ नहीं आ रही कि हम अगली नई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ क्या जाना है, एक्सपोर्ट की क्या तरफ जाना है, जो चीजें ऑलरेडी हो रही है वो बंद हो रही है और बड़ी स्पीड से बंद हो रही है और उस हिसाब से फिर बेरोजगारी भी बढ़ रही है और फिर जो फिर क्राइम रेट और सारी फिर जो चीजें आएंगी उनको डेफिनेटली कोई भी बंदा घर में अपने रात को भूखा सोते हुए उसके पास एक पढ़ा लिखा बंदा घर आके बैठ जाएगा और बेरोजगारी होगी नहीं होगा खत्म हो जाएगी तो फिर क्राइम रेट बढ़ेगा। ये चीजें क्यों समझ नहीं आ रही हमारे
भाई अगर मुश्किल हालात है, मानते हैं मुश्किल हालात है, हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो कम अज कम हम लोग ऑन बोर्ड तो ले, हमको चार चीजें अच्छी बताएंगे, इसमें भी चीजें अच्छी हो सकती है। पैनिक की कंडीशन है, आई टेल यू, इसमें गवर्नमेंट इज टोटली इन पैनिक कंडीशन। आप कोई भी ऑपोजिशन, तो ऑपोजिशन में जो करना है वो कर रही है, बेड़ा गर्क गवर्नमेंट भी। आप उनकी तकरीरें सुन लें, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, आप उनकी कोई भी प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे वजीर तक, उसकी एक घंटे की तकरीर में तो खाली आपका 45 मिनट तो सिर्फ ऑपोजिशन पे बात होती है, घड़ियों पे बात होती है, इस किस्म की चीजों पर बात होती है, जिससे कि हम बेहतर नहीं होने वाले। तो मतलब इस तरह की अगर हमारा नॉनसेंस एटीट्यूड होगा और इस तरह की हमारी सोचा होगी, तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा नदीम भाई साहब, आखिर में मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ की थोड़ी सी क्लैरिटी चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की अदायगियों इस वक्त रखी हुई है सामने और उसका जो दबाव है, तो पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन ये हुई हुई है कि इंपोर्ट के लिए एलसीज इसलिए नहीं खुल रही कि गवर्नमेंट वांट टू मेक श्योर कि IMF से प्रोग्राम साइन हो जाए और फ्रेंडली कंट्रीज पैसे देना शुरू कर दें और फिर कारोबारी कम्युनिटी का नंबर उसके बाद आए। आपकी इकॉनमी इम्पोर्ट लेड हो चुकी है और IMF जो है वो इज़ नॉट हैप्पी और पॉलिटिकल फ्रंट पे गवर्नमेंट चाह रही नहीं है कि मामलात सेटल हों। कौन सी तबाही आ जाएगी अगर गवर्नमेंट और अपोजिशन एक साथ बैठ के एक मैसेज ही दे दें दुनिया को कि यार वी आर वन और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दें पाकिस्तान को, तो ये चीज़ आप बिजनेस कम्युनिटी फोर्स करके नहीं करवा सकती? करवा सकते हैं, हमें किसी खाते में लेके आएंगे तो हम करवाएंगे ना, हमें तो वो कुछ समझते ही नहीं है। हम तो इस हर किस्म का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे ही, चार्टर मतलब हर इस पे बात करने के लिए और एक मीडिएटर का रोल अदा करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट अपोजिशन नॉन सीरियस एटीट्यूड रखती है तो हम उसको गवर्नमेंट की ओर से दाखिल देनी चाहिए। ठीक है यार, आप यू आर रनिंग द शो, यू आर इन द इन पावर और अभी इलेक्शन है, आज 2 महीने बाद नहीं तो साल बाद तो इलेक्शन हो रही है ना, तो right. वो आप वही कम अज कम देख लें कि आप क्या चीज सामने लोगों को लेके जाएंगे, आपने एक साल में क्या डिलीवर किया, सिवाय गालम गलोच, लड़ाई झगड़ा, केसेस और इस किस्म की चीजों के कोई एक सीरियस आपने कोई एक्शन लिया है। ऑपोजिशन की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो मसरूफ जो से है एक घर में बंद होकर बैठे हुए और मतलब बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारे इस वक्त मतलब के क्या ऑपोजिशन, क्या हुकूमत के इदारे, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट और क्या हमारी मतलब अदलिया, सब एक तमाशा बना हुआ है और हर एक इस चीज पे आके हमारी हेडलाइन में हम अखबारों में आ जाए, मुल्क का पेशक बेड़ा गर्क हो जाए। नदीम राऊ साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर आसिम जफर, उनसे हम समझेंगे कि ब्रोकिंग कम्युनिटी को आजकल किस तरह के मसाइल का सामना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे नदीम रऊफ, मज़ीद हमें ज्वाइन किया था आसिम जफर ने, जो कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के एक ब्रोकर हैं, इनकी अपनी फर्म है। दोनों ने हमें तफसील के साथ बताया कि माशी सरगर्मियाँ मान नहीं पड़ी बल्कि ख़त्म हो चुकी हैं, जैसे बाकी कारोबारी हजरात फरमाते हैं कि कारोबार बंद है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और सारे के सारे क्राइसिस के पीछे सिर्फ एक चीज़ है, विच इज़ द शॉर्टेज ऑफ डॉलर और इम्पोर्ट बैन। इम्पोर्ट बैन के लिए किसी के पास कोई भी तारीख नहीं है। जो इसहाक डार साहब हैं, एवरी डे इन डे आउट ही कीप सेइंग के पाकिस्तान का IMF के साथ मुआहदा हो गया है और 1.8 बिलियन की ट्रांच आ रही है और फर्दर जो फ्रेंडली कंट्रीज है वहाँ से पैसा आ जाएगा, मगर ऐसी चीज़ ऑन द फ्रंट, ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट हमें कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। यही वजह है कि कारोबारी तबका भी जो है उसमें भी मायूसी बढ़ रही है और कैपिटल मार्केट की अगर बात करें तो कैपिटल मार्केट में भी जो वॉल्यूम्स हैं, वैल्यू ट्रेडेड डेली है, वो हिस्टोरिक लोस के ऊपर है। चंद छोटे स्टॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो जाता है और इंडेक्स को बढ़ाने के लिए PPL OGDC टाइप के स्टॉक के अंदर थोड़ी सी प्राइस डिस्कवरी कर दी जाती है, जिसकी वजह से लगता है कि बाजार से इसमें कुछ हो रहा है। ये सिचुएशन है और आगे देखते हैं कि डाउन द रोड नेक्स्ट वीक में जैसे कहा जा रहा है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूट हो जाएगा, ट्रांच आ जाएगी, इकॉनमी चल पड़ेगी, ये होता है या नहीं होता है ये डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।